नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। अतिथि शिक्षकों की कार्य मुक्ति का मामला दोस्तों, मुख्यमंत्री की फटकार के बाद बैकफुट पर आया डीपीआई और समस्त अतिथि शिक्षक, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय आदेश निकाले जा रहा है अतिथि शिक्षकों को हटाने के लिए। लेकिन जो मांग हुई थी अनुबंध आरक्षण बोनस अंक और वेतन को लेकर, उसको लेकर कोई आदेश डीपीआई ने जारी नहीं कर पाया है अभी तक। और यहां पर क्या अपडेट है आप ये देख सकते हैं भाइयों, स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के ऊपर लटकती कार्य मुक्ति की तलवार फिलहाल टल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद तुरंत लोक शिक्षण संचालनालय बैकफुट पर आ गया है। डीपीआई डायरेक्टर ने अपने आदेश को स्थगित कर दिया। आदेश के निरस्त करने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की सैलरी एग्रीमेंट के लिए जीएफएमएस पोर्टल पर डाटा अपडेट किया जाएगा। पत्र में लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शासन द्वारा वृद्धि की गई है। मानदेय कालखंड के स्थल पर मासिक मानदेय भुगतान वर्ग 1, 2, 3 क्रमशः रुपए 18,000, 14,000, 10,000 किया जाना है, जिसका निर्धारण शिक्षकों को प्रतिमाह स्कूल में कार्य दिवसों की संख्या शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। बता दें कि डीपीआई संचालक द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को 2 फरवरी 2023 के अनुसार नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के उपरांत आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन बिल जनरेट कर उन्हें कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। अतिथि शिक्षक पोर्टल प्राप्त जानकारी के अनुसार देखने में आया है कि नियमित शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति के उपरांत भी संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों को जीएफएमएस पोर्टल से कार्य मुक्त नहीं किया गया है, जो कि शासनादेशों की अवहेलना एवं घोर अनियमितता का बोधक है। ट्रांसफर प्रमोशन के बाद भी नहीं हटेंगे अतिथि शिक्षक। डीपीआई डायरेक्टर डीएस कुशवा ने नया सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि संस्था में ट्रांसफर या प्रमोशन के कारण किसी नियमित शिक्षक के आ जाने पर अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका कृत्य घर कदाचरण की श्रेणी में आएगा। उसके खिलाफ शासनादेश की अवहेलना करने के आरोप पत्र जारी किए जा सकते हैं। उसे विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भागी भी हो सकता है। ध्यान से सुन लें तमाम संकुल प्राचार्य, अगर किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त किया तो कार्रवाई होगी। और ये आदेश है कि किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त ना किया जाए। भाइयों, लगातार मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम महापंचायत में अपना पद स्थायी को लेकर गए थे, लेकिन अभी भी हमारे भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों, ये भी अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया है कि जो अतिथि शिक्षकों का बड़ा हुआ मानदेय, कोई सितंबर कह रहा है, कोई अक्टूबर कह रहा है, लेकिन जो आदेश आया उसमें भी तारीख नहीं दर्शाई गई है। आखिरकार कब से मिलेगा, इसको लेकर कोई अभी अपडेट नहीं है भाइयों। वैसे बहुत से लोग सितंबर का बोल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह सितंबर के बिल जो लगे हुए हैं वो पुराने मानदेय से लगे हुए हैं, कुछ जगह नए से लगे हुए हैं, तो ये क्लियर अभी नहीं हो पाया है। आखिरकार कब से मिलेगा, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट आदेश, स्पष्ट तारीख नहीं आई है। बाकी लगातार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी, गवर्नमेंट की योजनाएं, जो भी नए नए अपडेट आते हैं आप लोगों को बताते हैं। और कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री के दावेदार जो नेता हैं श्री कमलनाथ जी, उन्होंने वचन पत्र में शामिल कर ली है अतिथि शिक्षकों की मांग भाइयों, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।